योगी ठाकुरों पर गोली नहीं चलवाते, ऐसा कहने वालों को एक ऐसा तमाचा मिला है जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, ठाकुर का भी इनकाउंटर। ये है सुल्तानपुर कांड में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता, जो अखिलेश यादव को बेटे के एनकाउंटर के बाद खरी खोटी सुना रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। दरअसल सुल्तानपुर मामले का एक और दोषी जिसका नाम अनुज प्रताप सिंह था, उसकी कल रात एनकाउंटर में मौत हो गई और उसके बाद जाति समीकरणों में उलझाने वाले अखिलेश यादव को अनुज प्रताप सिंह के पिता का करारा जवाब मिला है। अपने बेटे को खो चुके अनुज के पिता धर्मराज ने एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव को बोला कि एनकाउंटर होने से उनकी यानी अखिलेश यादव की इच्छा पूर्ति तो हो गई। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुल्तानपुर में डकैती कांड में शामिल मंगेश यादव का एनकाउंटर केवल इसी वजह से किया गया है क्योंकि वो यादव था, प्रदेश के अंदर जाति देखकर ही अपराधियों पर एक्शन लिया जाता है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। सुनिए आप। एनकाउंटर को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। और इसी डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह कल रात उन्नाव में पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हुआ, जहां उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये बात कही। इस एनकाउंटर ने न सिर्फ प्रदेश के अंदर ये संदेश दिया है कि प्रदेश के अंदर अपराध करने वालों की कोई जगह नहीं है, साथ ही अखिलेश यादव को भी उस बयान का करारा जवाब मिला है। आज सुबह अनुज प्रताप सिंह उन्नाव के अचलगंज में पुलिस मुठभेड़ में अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद एक बार फिर यूपी में अखिलेश और एसटीएफ की चर्चा वो बहुत तेज हो गई है। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनते ही अमेठी निवासी अनुज प्रताप के पिता धर्मराज ने अखिलेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए अनुज के पिता ने अखिलेश को क्या कहा। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, ठाकुर का भी इनकाउंटर हो। आपको बता दें 6 अगस्त को मुख्तार अंसारी के शूटर 1 लाख का इनामी पंकज यादव को जब ढेर किया गया, तब से लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं प्रदेश के अंदर और 56 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, यानी हर दिन 1 से 2 एनकाउंटर। योगी के कार्यकाल में आपको बताएं तो 12,964 एनकाउंटर किए जा चुके हैं, 207 अपराधियों को ढेर किया जा चुका है और ये आंकड़ा बढ़ भी गया होगा क्योंकि रोज किसी न किसी अपराधी के एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। आपको बताएं 27,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और सबसे ज्यादा अपराधी पश्चिमी यूपी के हैं जिन पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। प्रदेश के अंदर अपराधियों पर बाबा का कहर जारी है और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर प्रदेश में अखिलेश द्वारा फैलाए गए जाति अंकल को भी खत्म कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी अपराधियों पर क्या इसी तरीके से नकेल कसते रहेंगे या फिर उनकी सजा का कोई नया प्रावधान भी बनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें प्रदेश के अंदर अपराधियों पर जिस तरीके का एक्शन हो रहा है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है और लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आप बताइए कि अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और अपराधी अपराध करने से पहले जब उसके मन में यह ख्याल आ जाए कि योगी क्या सजा देंगे, उससे ही 4 कदम दूर भागे। आपको क्या लगता है कि योगी द्वारा अपराधियों के लिए चलाए जा रहे इस सख्त एक्शन से प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार होगा और अपराध और अपराधियों की संख्या में प्रदेश में
कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे आप वैभव दीक्षित के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।